अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मन चाहा। दिमाग खराब किया हुआ है, सारे जादूगर यहीं जमा हो गए सारे। जाओ ना, क्या मुंह देख रही हो? एक ही अलग ड्रामा कर रही होती। देखो मरियम, हमारा साथ इस घर में बरसों से, और ये साथ इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। ये उसका नसीब है, जो जितनी लिखवा कर आता है उतना ही जीता है। हमारे चाहने ना चाहने से कम थोड़ी हो जाएगी उसकी जिंदगी। और साथ ही रूही पर भी कुछ करवा दीजिएगा, उसकी बातें मुझे बहुत चुभती हैं। मतलब तुम उस बंदी के लिए मरे जा रहे हो जिसको तुम्हारे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। काश तुम राहील होती तो तुम्हें पता लगता कि अलवीरा क्या है। वो तो इस दुनिया की है ही नहीं। कुछ अरसा तन्हाई में गुजारना चाहती हूँ। ओके, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, इतने अरसे में मैं भी अपने कुछ अधूरे प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लूंगा, और जब तुम वापस आओगी तो फिर हम नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे। नहीं रूही, अम्मी सो रही हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब होगी, तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं, मैं अम्मी को दूर से ही देखकर आ जाऊंगी। तुम देखो सिर्फ बिला वजह उनकी नींद डिस्टर्ब करोगी। रूही, मैं दूर से देखकर आ रूही, मेरी बात सुनो रूही। अम्मा वो बहुत डर गई थी और इसीलिए डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाह रही थी। और ये सब हुआ किसकी वजह से? ना तुम उस औरत को इस घर में लाते, ना ये सब कुछ होता। अम्मा, अम्मा बता तो चुका हूँ कि मैं उस औरत को घर लेके नहीं आ रहा था, अपनी बेटी दे रहा था मैं उसके घर में। अब देखें, ये ऐसी बातों का वक्त नहीं है। अच्छा ये बताओ, वो डॉक्टर तो आई थी, क्या कहा उसने? अम्मा डॉक्टर ने चेकअप तो कर लिया था, उसने कहा कि दिमागी हालत ठीक नहीं है, नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसको एडमिट करवा दें। तो करवाओ, बैठे बैठे बातें करने से सब कुछ हो जाएगा। अम्मा आप इसे ना डांटें, ये बेचारा पहले ही बहुत परेशान है, क्या करे ये? मरियम घर से निकलने पे तैयार ही नहीं है तो फिर ये क्या कर सकता है? किसी तरह ये पाकीज़ा बीबी को घर लाना होगा। अम्मा वो रुकैया ने मालूम किया था तो उन्होंने कहा कि वो किसी के घर नहीं जाती। अच्छा ये बताओ, वो मरियम ने कुछ खाया पिया भी है? जी अम्मा थोड़ा बहुत खा लिया था, फिर दवा ली और सो गई। चलो ये भी ठीक है, किसी तरह उसे सुला दो। सुबह इंशाल्लाह मैं उसे या तो हॉस्पिटल लेके जाऊंगी या फिर पाकीज़ा बीवी के पास ले जाऊंगी। अम्मा हो सके तो उसे माफ कर दीजिएगा, मैं जानता हूँ उस औरत को, वो इस घर और इस घर की खुशियों के खिलाफ नहीं हो सकती। प्लीज। मैं जानती हूँ बेटा, मैं गुस्से में जरा कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा बोल गई, लेकिन खैर मैं माँ हूं, मैं उसे मना लूं। मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ यहां से, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ, तुम जाओ। क्या हुआ मरियम, क्या हुआ, क्या हुआ? इसे बोल जाओ यहां से। अम्मी, मरियम क्या हुआ? अम्मी मैं रूही को बोल रहा हूं, अम्मी जाओ यहां से। ये मुझे मार डालेगा, इसे बोल जाओ यहां से। रूही जाओ यहां से, ये मुझे मार डालेगा, ये मुझे ले जाएगा अम्मी साथ। पहचाने अम्मी, मैं रूही हूं। नहीं नहीं, इसे बोलो जाओ यहां से। रूही तुम जाओ बेटा, अभी समझने की कोशिश करो, रूही चली जाओ यहां से, जाओ बेटा, जाओ यहां से।
मरियम मरियम मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं हूँ, तुम डरो मत, डरो मत, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं अम्मी को देखकर आती हूँ। मतिया रुक जाओ, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है चच्ची को? तुम लोग रुको, मैं देखकर आती हूँ। भानु रापी, मैं अम्मी को देखकर आती हूँ, आप रुके। मतिया रुक जाओ, नहीं जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। अम्मी, मैं आपको किसने बताया? अरे भाई, वो तो वैसे ही इनाम को मैंने फोन किया कि उससे बातचीत हो जाएगी, तो उसने मुझे बताया कि मरियम की हालत बहुत खराब है। अल्लाह, ये सब ना मुझे सताने की सजाएं मिली हैं उसे। अच्छा, तुम्हें कब सताया उसने? आपको नहीं पता, बहुत मीसनी है, कोई मौका नहीं हाथ से जाने देती थी मुझे बेइज्जत करने का। वो तो शुक्र है कि अल्लाह ताला मेरे साथ हैं, वही उनका हिसाब कर लेते हैं। अच्छा, अब तो तुम्हें बेटे का रिश्ता भी मिल गया है, जल्द शादी भी है, अब तुम माफ कर दो उन्हें यार। अरे माफ ही कर देती हूँ, माफ ना करूँ ना तो एड़ियां रगड़ेंगे, एड़ियां। वैसे आपको भी ना अल्लाह ही समझे, बेटे की शादी सर पर है और आप है कि जेब को ढीली नहीं कर रहे। अरे यार शमीम, इतनी सी बात पर क्यों कोसने दे रही हो? सब कुछ तुम्हारा ही है, जितना चाहिए ले लो। ठीक है, वैसे जरा जरा सी चीज के लिए आपको क्या तंग करना, आप ना क्रेडिट कार्ड दे दे मुझे। अरे देखो, मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट कम है, तुम्हें वैसे ही चाहिए तो मुझे बोल देती, मैं तुम्हें दे देता। अरे वैसे कौन सी कल शादी है, लिमिट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा निकाल लूंगी, और बेफिक्र रहें, अपने ऊपर खर्च नहीं करूंगी, आपकी औलाद के लिए सब कुछ आएगा। ओहो, तुम तो बुरा ही मान गई। अच्छा कार्ड दें, बातें मत करें ज्यादा। ओहो भाई, ये लो कार्ड। ठीक है, अब जितनी चाहे ना शॉपिंग कर लेना, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत। ये सब अब्बू की गलती है, उनकी दूसरी शादी के खौफ ने अम्मी को ये सब करने पर मजबूर किया है। हाँ, ना वो ये सब करती और ना ये सब उनके गले पड़ता। कुछ गले नहीं पड़ेगा, अब्बू बता रहे थे वो बस डर गई हैं कि उनका किया हुआ अमल अगर उन पर पड़ गया तो। तुम दोनों फिक्र मत करो, कुछ दिन में उनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। काश पाकीज़ा बीबी घर आ जाती तो अम्मी को थोड़ा सा हौसला मिल जाता। क्यों, उन्होंने आने से इनकार कर दिया क्या? दादू और ताई जान गई थी लेकिन। क्यों नहीं आई वो? क्या लगता है उन्हें हम उन्हें पैसे नहीं देंगे? बुरी बात है रूही, ऐसी बातें नहीं करते, ऐसे लोग पैसों के लालची नहीं होते। तो क्या वजह है मानू रापी, क्यों नहीं आई वो? रूही, उनके पास बहुत काम होते हैं और वो सबको हाँ थोड़ी कह सकते हैं। वैसे तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है। वो क्या? क्यों ना हम रोज जेमिनाई से बात करें, उनके तो इतने ताल्लुकात हैं, क्या पता वो किसी से कहकर उन्हें मना ले। क्या हुआ, आप दोनों चुप क्यों हो गए? कुछ गलत कहा क्या मैंने? हाँ लेकिन ऐसे लोगों के तावीज गंडे वालियों से क्या ताल्लुक? हम एक कोशिश तो कर सकते हैं ना, हो सकता है कोई सिफारिश काम आ जाए। हाँ हमें कोशिश करनी चाहिए। रूही तुम बात करो उनसे। मैं बात कर। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये मरियम अचानक किस बात से डर गई है। डरी नहीं है वो, उसने जो पढ़वाया जो करवाया है ना उसका उल्टा हो रहा है। अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, वो ये सोच के डर गई होगी कि कहीं। तुम बस कर दो, बीच में मत बोलो। डरना समझ में आता है, अपनी औलाद उसे कुछ और दिखाई दे रही है, ऐसा कभी सुना है, कभी देखा है? अम्मा जो कुछ भी है इसका हल तो होगा ना कुछ ना कुछ। इसके दो हल हैं लेकिन दोनों ही मुमकिन नहीं। अम्मा अम्मा मुझे बताएं क्या हल है। क्या बताऊं, अगर वो बाबा जिसने ये अमल किया है वो हमें मिल जाए और इस मंत्र को उल्टा कर दे तो ऐसा हो सकता है? और दूसरा? दूसरा दूसरा किसी तरह पाकीज़ा बीबी को इस घर में आना होगा, फिर शायद कुछ बेहतरी आ जाए।
ठीक है अम्मा, कोशिश करता हूँ कि मरियम से कुछ पता चल सके। तुम्हारे पास हूँ, डरो मत। मैं हूँ तुम्हारे पास, कोई नहीं है। मरियम डरो मत, बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल ठीक हो जाओ। जहाँ तक राहिल की बात है, तो वो मेरा सामना नहीं कर सकता, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। अच्छा सुनो, अब ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22 दिन, उसके बाद मेरी तो जान छूट जाएगी। तुम्हारा क्या हुआ? बताया तो था तुम्हें कि तुम्हें अभी इद्दत गुजारनी है, दे दूंगा उसे तलाक। इतने अरसे नहीं तो मैं कहाँ रहूँगा? जब तक मेरी तलाक नहीं हो जाती तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम रोज के साथ नहीं रहोगे। तो मैं उन दिनों कहाँ रहूंगा? तुम्हें पता तो है कि वो घर रोज का है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारी गैरत को बहुत ठेस पहुंचेगी। मुझे अच्छा नहीं लगा तुम्हारा ये अंदाज। अच्छा, वाह, जैसे मुझे तो बहुत अच्छा लगा होगा कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी के साथ बैठे हुए हो तुम। ये हक मुझे तुम्हारी बीवी ने ही दिया है। बिल्कुल, इसीलिए तुम मेरे सामने सही सलामत खड़े हो। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, धमकी नहीं दे रहा तुम्हें, मैं रियायत दे रहा हूं। अगर मुझे आजमाना हो और इसकी हिम्मत हो तुम में, तो 25 दिन के बाद यूं मेरे सामने खड़े होकर दिखाना। 25 दिन बाद अगर गैरत बाकी हो ना, तो चिल्लू भर पानी में डूब मरना। राहिल, राहिल, क्या हुआ? मैंने कल की सीट बुक करवा ली है, मैं कनाडा जा रही हूँ। मगर क्यों? क्योंकि मैं कुछ दिन आराम से गुजारना चाहती हूँ, यूं समझो इद्दत गुजार कर वापस आ जाऊंगी। मेरे ख्याल में अगर तुम मुझसे तलाक ले लेती हो तो तुम सफर नहीं कर सकती। तुम्हें किसी आलिम से राब्ता करना चाहिए कि शरा क्या कहती है। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने कनाडा में अपने मामू के यहाँ अलहदा से रहने का इंतज़ाम कर लिया है। तुम मुझे 2 से 3 दिन बाद तलाक के पेपर्स भिजवा देना। ओके, घर अलवीरा, मेरी सीट कंफर्म है, मैं रुकना नहीं चाहती, प्लीज़।
सॉरी दोस्त, मजीद 2 से 3 दिन तुम्हें जहमत नहीं दूंगा। अम्मी मुमानी की तबीयत बहुत खराब है, आपको उनकी खैरियत का पता करने जाना चाहिए। पागल नहीं हूं मैं, जिस तरह वो चीख रही है चिल्ला रही है मैं भी वैसे ही चीखूं चिल्लाऊं, तुझे अच्छा लगेगा? या तू भी अपने बाप की तरह ऐसा ही कुछ चाहता है? अल्लाह ना करे अम्मी ऐसा कुछ हो, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। तो फिर मुझे ना जाने का मत कहना, और वैसे भी मुझे नहीं पता कि उस घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। वैसे एक बात सुन, तेरा भी उस घर में बड़ा रिश्ता पक्का होने वाला है, तू क्यों नहीं चला जाता पूछने? अम्मी मैं बचपन से उस घर में कम जाता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा अजीब सा लगता है। हाँ वैसे अजीब लोगों में अजीब ही लगना चाहिए, तू कॉल कर ले, या वो भी अजीब लगती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं वासे बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी, नंबर सेव है मेरे पास आपका। सुनकर अच्छा लगा। आप बताएं आपने कॉल क्यों किया? वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो आ नहीं सकी, तो मैंने सोचा मैं उनकी तरफ से सबकी खैर खबर ले लूं। अभी तक तो सब खैरियत ही है, और अल्लाह ने चाहा तो आगे भी सब खैरियत ही होगी इंशाल्लाह। जी वकील साहब, साइन आज नहीं होंगे, 2-3 दिन बाद होंगे। लेकिन हाँ, मेरे नाम पर जितनी भी जायदाद है वो सारी की सारी अलवीरा के नाम मुंतकिल करवा दीजिए। मैं आज रात सालगिरह पर उसे एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। जरूरी कार्रवाइयां आप बाद में करते रहिएगा, पहले मुझे डॉक्यूमेंट्स बनवा के दीजिए ताकि मैं उसे हैंडओवर कर सकूं। वो सब हो जाएगा, बस आप इस बात का ख्याल रखें कि पेपर्स पर जितने भी जरूरी साइन हैं वो 2 से 3 दिन के अंदर मुझसे ले लीजिएगा। हम बस यूं ही समझे कि मैं भी उसके साथ जा रहा हूं, बस हम दोनों की मंजिलें अलग अलग हैं। नहीं नहीं, मेरी वापसी का इंतजार मत कीजिएगा, शायद मेरी वापसी ना हो। हाँ मैं सब कुछ, मेरा मतलब है पाकिस्तान छोड़कर जा रहा हूं। जी मैं उसके नाम की माला मैं एक तावीज पहनूंगा, बना कर भैंस मजनू का फटे कपड़ों में जी लूंगा। कहीं भूले से मिल जाऊं मोहब्बत भी दे देना सदा बाज रहे। तुम्हारे बाद जी कर करूंगा भी तो क्या करूंगा, कोई ऐसा मिल लाओ जरा। खत्म कर दे।